हेलो नमस्ते, वेलकम टू रीना शर्मा चैनल। आज हम बनाएंगे दूध के साथ मीठी सेवई। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए 150 ग्राम सेवई बिना भुना हुआ, आप चाहे तो पहले से भुना हुआ सेवई भी ले सकते हैं। सेवई को हल्के हाथ से मीडियम तोड़ लेंगे। पाव किलो शक्कर, लगभग 250 ग्राम, 7 से 8 इलायची, इलायची का छिलका निकाल कर बुकी कर लेंगे। 15 से 16 काजू, आप चाहे तो पिस्ता बादाम भी ले सकते हैं। काजू को भी बारीक काट लेंगे। अब गैस ऑन करके एक मीडियम साइज पैन लेकर उसमें 2 चम्मच डालडा या घी डालेंगे। अब तेज आंच पर इसमें तोड़े हुए सेवई डालेंगे। और 4 से 5 मिनट तक हल्का भूरा होने तक लगातार अच्छी तरह चलाते रहेंगे। हल्का भूरा होने पर गैस बंद करके इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब फिर से गैस ऑन करके एक गहरे बर्तन में तेज आंच पर 1.5 लीटर दूध डालेंगे। अब दूध में उबाल आने तक दूध को गर्म होने देंगे। दूध में उबाल आने पर गैस धीमा करके हल्के हाथ से चलाकर अब इसमें 1/2 किलो शक्कर डालेंगे और अच्छे से चला लेंगे। फिर इसमें एक साथ कटे हुए काजू और भुकी हुई इलायची डालकर दूध को अच्छे से 1 मिनट तक चलाते रहेंगे। अब धीमी आंच पर दूध में भुने हुए सभी सेवई डाल देंगे। और अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब मध्यम आंच पर सेवई में उबाल आने तक थोड़ा समय रुक जाएंगे। उबाल आने पर सेवई को हल्के हाथ से चलाकर गैस बंद कर देंगे। और सेवई को एक प्लेट में निकाल लेंगे। सेवई बनकर तैयार है। इसे आप गर्म या ठंडा कैसे भी खा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियोस के लिए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।